सो असी खड़े हाँ राजपुरा के मयूर होटल के अज और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उस तो बाद पत्रकारों को बुला के उ एक बहुत व्डा जोड़ा है आम आदमी पार्टी वालों जोड़ा धमाका किया गया जेडे कि मयूर होटल के मालक हैं तो एम एल ए साहब के कोर्डीनेटर हैं सोनू जी उन्हों वालों एक पांच एम सी एन जोड़ा है अज आम आदमी पार्टी के ज्वाइन कराया गया एक बहुत वड्डी गल है आम आदमी पार्टी के विधायक जोड़े मैडम नीना मित्तल राजपुरा के वो साढ़े ना इसे मौजूद आप उन्होंने गलबात कर लें मैम की कहना चाहोगे बड़ी खुशी की गल है कि पांच एम सी होर जोड़े हैं ज्वाइन कर सकते देखो अज साढ़े लिए बहुत खुशी की गल है कि आम आदमी पार्टी परिवार में वाधा होया है क्योंकि परिवार में जो वाधा होंगे खुशी की गल तो है ही जेडे अज साडे लई साडे नाल एम सी साहबाना ने ज्वाइन किया इन्हां ने यह पहला भी लोगों की सेवा करन लई आए सी पर पिछलियां पार्टी दियां जो नीतियां उन्हां च नहीं कर पा रहे सी खुल के जदों आम आदमी पार्टी के काम देखे सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो वादे किए सीगे लोगों के वो वादे पूरे होंदे देखे तो इन्हां दे मन विच भी आया कि असी भी अगे वध के लोगों की सेवा करिए क्योंकि लोग चाहे एम सी चुनते हैं चाहे एम एल ए चुनते हैं लोगों को एक उम्मीद होंदी है कि साडे काम करनगे तो उस दे तहत अज इन्हां सारे मेरे भैणां भरावां ने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी असी इन्हां दा वैलकम करदे हां मैं सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों श्री अरविंद केजरीवाल जी वालों इन्हों का सारे का आम आदमी पार्टी विच वेलकम करते हैं और इन्हों का धन्यवाद भी करते हैं कि इन्होंने आपका बहुत अच्छा आई क्यू रख के लोगों की सेवा करने लिए अज आम आदमी पार्टी का बल्ला फड़िया मैम इस दे पिछे अज जिहड़ा ए होया सारा कुछ पांच एम सी जिहड़े ज्वाइन कर गए कि मेहनत तुसी इस चीज़ पिछे ये साढ़े साथी सोनू कक्कड़ जी की मेहनत है ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं जिदन का मैं इन्हों कमेटी एम एल ए कोआर्डीनेटर लगाया है उस उदन का इन्होंने दिन रात की हुई है कितों भी कोई कंप्लेंट आती है तो विद इन हाफ आवर इन्हें ये कंप्लेंट पूरी दूर करते हैं और इन्हों नहीं कि मैं दिने जाना है या रात में जाना है जो भी कंप्लेंट आती है नाल दी नाल काम करते हैं तो अज इन्होंने जो मेहनत की इन्होंने आप अपने सारे साथियों अज ज्वाइन कराया तो उस असं इन्हों बधाई दें और शाबाश भी दें क्योंकि आम आदमी पार्टी लिए जो मेहनत करता है आम आदमी पार्टी वह इनाम उन्होंने जरूर दी है मैडम इन्होंने वालों जी मेहनत की गई है पांच एम सी जो लाए गए हैं अक्सर इन्हों के परिवार बारे जो विरोधी है गल्ला करते हैं शहर के अकाली दल तो अकाली दल तो संबंध रखते हैं तो किहड़े टाइम सोनू जी जिहड़े हैं आम आदमी पार्टी के ज्वाइन किए थे तो इन्हों इन्नी वड्डी जिम्मेवारियां देन लग गए हैं मैडम तो की कहना चाहोगे उन लोगों वास्ते अज तुसी मीडिया के सामने दोबारा कह कि इन्हां दे असी सरोपा पाया आम आदमी पार्टी का भी लोगों को साफ नज़र आए कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं मैडम की कहना चाहोगे तो पहले कद इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन देखो इलैक्शन तो चार पाँच महीने पहला पार्टी ज्वाइन कर गए सी अज तो मैं सरोपा सिर्फ तुहाडे कहने जां जिहड़े लोग हाले भी इतराज़ करते उन्हां दा मूँह बंद करन लई कीता इन्हां नूं ज्वाइन करवाया सोनू जी ने इलैक्शन दिन रात मेहनत की है जिहड़ी आपां गल कहने भी अकाली दल चों आए है आम आदमी पार्टी एक नवीं पार्टी है इस ज़्यादातर लोग कोई अकाली दल चों आया कोई कांग्रेस चों आया ये नहीं हुंदा कि अकाली दल चों आया तो जी वो पार्टी च क्यों है अकाली दल चों आ के भी इन्हां ने एक अच्छी पार्टी पहलां तां अच्छी पार्टी देख के उहदा पल्ला फड़िया फिर इन्होंने ये नहीं है कि अकाली दल चों आया तो उही नीतियां ते चले इन्होंने आम आदमी पार्टी दी नीतियां ते चल के दिन रात मेहनत की साढ़े एजुकेशन मिनिस्टर मीत हेयर जी तो मैं इन्हों ज्वाइन करवाया सीगा और उदन तो यह परिवार आम आदमी पार्टी लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो सोनू जी कद वड्डी जिम्मेवारी जी है नगर कौंसल दे विच तुसीं देन जा रहे हो मेरा एक ही जवाब है आगे आगे देखिए होता है क्या ठीक है जी सो ये सीगे मैडम जी आगे आगे देखिए होता है क्या इन्हों का कहना है जब ये कह देंगे तो कोई ना कोई ये पिछे राज होंदा तो साढ़े नाल सोनू कक्कड़ जी हैं जिन्हां दे करके अज वड्डा जिहड़ा आम आदमी पार्टी अज शक्ति कह सकते हैं एक बहुत वड्डा बल मिले नगर कौंसल दे विच आने वाले दिनों दे विच की कहना चाहोगे सोनू जी अज देखो पहली गल तो जिहड़ी तुसीं गल कही है मेरा कोई रोल नहीं है सब मेरी भैन नीना मित्तल जी का रोल है इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई मैं चंगे काम किए और ये सारे मेरे भैन भरा मेरे नाल जुड़े हैं आके सो मेरी तो इक्को ही मेरे नाल जिहड़े आए हैं जिन्हें भी एम सी ज्वाइन किए हैं साड़ी पार्टी उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट है कि आप हूँ अगे वधांगे वध चढ़ के तुहाडे वार्डां दे भी काम होने हैं और पूरे शहर को तरक्की दी राह ते लैके जावांगे असीं समझिए कि जिहड़े भी वार्ड के काम लोग कराना चाहते हैं वो सीधा सोनू जी नाल संपर्क कर सकते हैं देखो मैनू दिन रात जिस टाइम को भी कोई फोन करता है पहली गल तो मैं उहदा रिवर्ट करदा कोई भी काम है प्रायोरिटी ते कराया जांदा उहदे वास्ते किसी नूं लोकां नूं हुण तुसीं देखो साडे शहर दे विच आदत भी बन गई है कि काम होण लग गए हैं और लोग कॉल करदे उहनां नूं पता भी कॉल करांगे तो साडा काम हो जाणा ठीक है जी तो मैडम की समाइल देख के शायद कोई समझे ना समझे शायद न्यूज़ 89 तो यह समझ रहा है कि आने वाले दिनों सोनू जी वड्डी जिम्मेवारी देखो मैनू जिम्मेवारी मिले चाहे ना मिले मैं तो मैडम नीना मित्तल के नाल है इन्हों का सपोर्टर है
पार्टी का एक वफादार सिपाही हाँ, जिथे मेरी ड्यूटी लाएंगे मैं उत्थे खड़े जी। सो ये सोनू कक्कड़ जी तो आप हूँ ओ एम सी ए गल कर लें जेड़े शायद हरदयाल सिंह कंबोज जे पूर्व विधायक से उन्होंने बहुत खासम खास मने जाते थे, अज वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके। आम आदमी पार्टी ज्वाइन इन्होंने किस वास्ते की है, या कोई दिक्कत परेशानी सी या क्या सी, आप इन्हां नाल ही गलबात कर लें। की कहना चाहोगे मैडम अज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? असी तो अपने काम कराने जी। हाँ जी हाँ जी, साडा कोई काम ही नहीं होया अज तक। हाँ जी, ये मेरे भरा सोनू जी खड़े हैं जी, इन्होंने सानू कहा कि भैन तुसी अपनी इस पार्टी चाहो मैं थोड़े काम करावांगा। हाँ जी, मैं अपने भरा दे कहने तो मैं इस पार्टी जाई। तो हूँ मैडम नीना मित्तल जी ने सरोपा पाया, तो लगता भी आने वाले दिनों के बड़े स्तर पर काम हो गए? हाँ जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਡਮ ਕਰਵਾਏਗੇ, ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਵਾਏਗੇ ਮੈਡਮ, ਬਿਨਾਂ ਕਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਜੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਣ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ਹੈ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ MC, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਮੈਂ MC ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MC ਸੀਗਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ? MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸੋਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ MC ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੱਜ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੌੜੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ MC ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।